हाय फ्रेंड, मोस्ट वेलकम है आपका डीएस ट्रेडिंग चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज ना आप ना सब्सक्राइब कर दीजिए और ना बने रहिए हमारे साथ। चलो भी फटाफट हम लोग आ जाते हैं कि आज हम लोग ने क्या करने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग है ना एनालिसिस करने वाले निफ्टी बैंक। अब यहाँ पर अभी आज क्या हुआ मार्केट में, अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज है ना फिलहाल निगेटिव प्लान्स किया है। बट क्या करना अभी हम लोगों को। हाँ, अभी यहाँ पर तो देखो मार्केट ने इस लेवल में चला। आज ना देखा जाए तो ओवर वीक के ना इसी रेंज में अगर चल रहा है मार्केट है ना, देखो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ना काफी अच्छे से ना चलती आ रही है। तो अभी इस रेंज के बीच में भी हमको ऐसा क्या प्लान करना चाहिए जो मार्केट लगे कि हाँ भाई यहाँ से हमारा कुछ चांसेस बन सकता है प्रॉफिट होने का। तो अगर आज मार्केट में ना अभी ऐसा क्यों हुआ कि अगर आज मार्केट थोड़ा नीचे भी आया और फिर थोड़ा सा अगर ऐसा लगा कि हम लोगों को ना काफी अच्छा सा मूवमेंट बनाना चाहिए था, बट मार्केट में ऐसा मूवमेंट्स बना नहीं। जो अभी तक है ना ये पैटर्न फॉलो हो रहा है वो इसी के अंदर रेंज बाउंड में चल रहा है, ना इससे कभी ऊपर हो रहा है ना इससे कभी नीचे जा रहा है। तो नाउ भी हम लोगों को ना फिलहाल क्या करना चाहिए, कल के लिए भी क्या प्लानिंग है। आज तो भी जो ना आपको ना आई थिंक है ना जिन लोगों ने अच्छा मतलब ना सेल में किया रहेगा तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ रहेगा। तो नाउ भी हम लोग है ना यहाँ पर कुछ प्लान करते हैं कि कल के ट्रेड के लिए अगर आपको अगर ट्रेड करना है तो अभी ये देखो ये तो प्राइस एक्शन होगी बराबर। ये हमको समझ में आ गया कि ओके ये प्राइस एक्शन इस तरह से तैयार हुआ। तो नाउ भी मार्केट है ना क्या हुआ, मार्केट है ना अपोजिट है, नीचे है या वॉलेटाइल होगी, ऊपर होगी नीचे जाएगी, ये देखिए मार्केट है ना धीरे 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 टुकड़ों में तोड़ तोड़ के नीचे आ रही है। यानी कि बुलिश का कोई अभी चांस नहीं दिख रहा है, सारी सारी बेयरिश चांसेस दिख रही है। आप है ना पॉइंट देख सकते हो, अगर है ना देखा जाए तो आपके लिए ये देखो ये एक पॉइंट है। यहाँ पर भी मार्केट ने वही लेवल लिया, फिर यहाँ पर भी वही हुआ, मार्केट है ना कंटेंशन लेवल ले रही है। अभी चौथा लेवल अगर यहाँ पर अगर कोई तैयार होता है, लेकिन चौथा लेवल तब तैयार होगा जब मार्केट ने यहाँ पर अगर क्लोज हो के फिर यहाँ पर कोई ऐसा कोई पैटर्न बनाने लगे ना, तो हम लोग फिर देख सकते हैं कि हाँ क्या मार्केट ने यहाँ पर चौथा मतलब एक और मतलब ये वीक का ना आपको बता सकता है कि मार्केट कहाँ पर जा सकती है अगर यहाँ पर रिकवर होता है कि कल क्या होता है। तो चलो अभी ना हम लोग फटाफट आ जाते हैं कि कल की प्लानिंग पे, कि कल का प्लानिंग में क्या होने वाला है ना। अभी हम लोग है ना क्या करने वाले हैं इसके लिए, तो आपको डेली वाइज जो कैंडल है उसको 15 मिनट की कैंडल कर दो। और थोड़ा सा इसको अपन जूम कर लेते हैं कि ना कि क्या आपको लग रहा है चांसेस। अभी हम लोग फटाफट फटाफट है ना आज वो भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना। अभी फटाफट अभी हम लोग अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि मार्केट में कल कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो अभी देखिए आज ना मार्केट पहले यहाँ पर है ना यहाँ पर है ना इस लेवल में ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आ गया। अब ये नीचे आया तो मतलब नीचे क्यों आया, नीचे क्यों आया, अब इसका रीजन क्या है। यहाँ तक तो कांता दास जी ने अभी क्या किया था कि यहाँ पर है ना काफी अच्छी चीजें चल रही थी, उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस संजेस तो नहीं किए किसी पॉलिसीज में, जैसी है ठीक है, लेकिन लेकिन लास्ट में सिर्फ एक बात बोली जो बैंकों के लिए भारी पड़ गई। फिर वो ये जो लेवल है यहाँ से ना ब्रेक होके डायरेक्ट मार्केट ने ना नीचे साइड दिखा दिया मूवमेंट, थोड़ा मार्केट रिकवर हुआ बट है ना फिर वापस नीचे बना और ये हो गया, मतलब यहाँ पर क्लोज हो गई 44,544 पे ना। अभी हमारी अगली प्लानिंग क्या हो सकती है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी हम लोग इसकी प्लानिंग करने के लिए हम लोग है ना ना बहुत अच्छे से ना अभी प्लान करने वाले इसको। चलो भाई थोड़ा ये साफ कर लेते हैं, बहुत अपने को लग रहा है कि हाँ ना। अभी हम लोग है ना क्या करने वाले, थोड़ा सा अगर आपको अगर अच्छे से अगर कुछ चीज अगर लग रही है कहीं पे कोई क्वेरी व्यरी है ना तो बीच में भाई कमेंट अमेंट करो यार कि क्या हाँ मुझे ये क्वेरी है, मुझे यहाँ समझ भी नहीं आया, तो आप ना क्वेरी करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि वो आपकी ये क्वेरी है तो चलो आपको सॉल्व करना चाहिए। ओपन से मैंने ना व्हाट्सअप का भी देखा ना अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर देकर रखा है, तो भाई लोग अगर वहां पर भी आपको कोई कहीं कोई बात है तो आप है ना व्हाट्सअप के जरिए भी अपना है ना कोई भी कमेंट आएगा या फिर कोई चाहे तो आपको टेक्स्ट करना है टेक्स्ट कीजिए एंड ना फिर अपन उसके ऊपर सॉल्व करेंगे कि फिलहाल मैटर क्या होने वाला है ना। अभी ये काफी अच्छा था, सारी चीजें हम लोग ने शेयर कर लेते हैं। अगर मार्केट ने अगर मान लो अभी ये जो जोन है अभी हमारे लिए ना ये बहुत है ना एक स्ट्रांग जोन है, अगर आप है ना देखोगे तो फिलहाल मार्केट में भी जो ये जोन है वो जोन काफी ना बहुत है ना बहुत अच्छे से चलते आ रहा है। तो ना ना अभी क्या करना है, ये देखो ये एक सपोर्ट लेवल जो इन्होंने जो बना के रखा है काफी टाइम से ना, मतलब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर से वापस मार्केट ऊपर आ जा रहा है ना। अगर कल मार्केट अगर है इस लेवल में अगर ये 44,700 के आसपास अगर कल मार्केट अगर है ना मान लो कि गैप अप ओपनिंग होती है, इसके बाद अगर कोई ऐसी कोई कैंडल्स बनाने के पहले अगर मार्केट कम से कम है ना रेंज बाउंड कर रहा है कम से कम 1 घंटे तक देखना, अगर मार्केट ऊपर जा रही है सीधी बात है भाई मार्केट अगर ऊपर जा रही है
तो फिर आपको क्या करना है कि ना सबसे पहले ना आप ना ये अपना टारगेट है ना फटाफट है ना यहाँ पर सेट कर लेना कि ना मेरे कुछ है ना ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा। हालांकि इतना कोई बहुत बड़ा तो यहाँ पर कोई गैप अप है ना चांसेस नहीं है, लेकिन मानो कि कल अगर ओपन हो गया तो आप लोग है ना यहाँ पर हम लोग है ना फर्स्ट टारगेट जो हमारा सेट करेंगे, अगर अपर साइड में अगर मैं अपना फर्स्ट टारगेट अगर है ना सेट करूँ तो मैं अगर है ना सेट कर सकता हूँ कि मैं ना 44,000 45,000 है ना 750 पे मैं अपना एक टारगेट और थोड़ा सा और अच्छा गया तो अगर है ना मान लो कि अगर इतना बहुत बड़ा तो नहीं गुड लक, लेकिन ठीक है ये हमारे पास ना दो टारगेट होंगे कल के अगर ऊपर जाने के मार्केट के। लेकिन अगर मान लो कि अगर कल मार्केट यहाँ पे अगर है ना कुछ है ना कंट्रोल होकर उसके बाद अगर यहाँ पर अगर मार्केट ने अगर थोड़ा सा भी अगर नीचे मूवमेंट दिखा दिया तो डैम श्योर है ना आपको लगे यहाँ पर है ना मार्केट है ना नीचे आने का चांसेस है डायरेक्ट है ना सीधा सीधा ना 200 पॉइंट्स है ना नीचे आने का बहुत बड़ा है ना पॉइंट्स ना बन सकता है। तो अभी अगर वो देखा जाए तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या टारगेट सेट कर सकते हैं कि हम लोग है ना सबसे पहला हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं कि हम लोग है ना 44,000 है ना 400 का हम लोग है ना हमारा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि हमारा 44,000 है ना 350, और आप है ना तीसरा टारगेट बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है ये 44,200 का हमारे पास। ये डाउन साइड जाने के लिए ना दो ऐसे टारगेट्स अभी हमारे पास है ना सेट हो चुके हैं। ओके अगर ये आपके लिए अपर साइड के मूवमेंट्स के टारगेट है और ये डाउन साइड के लिए जितने अपर नहीं जाएंगे उतने नीचे। अगर आप है ना अपर साइड में अगर कल ट्रेड भी कर रहे हो तो है ना छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है, और अगर यहाँ पर अगर ऐसा लगा कि आपको मूवमेंट है ना हाँ थोड़ी सी नीचे आ रहे तो आप यहाँ पर अच्छा ट्रेड कर सकते हो। बाकी ये है ना हरदम ऐसे अपने वीडियोज है ना लाते रहता हूँ, तो प्लीज आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज है ना सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड है ना घंटी वाला के ना आइकॉन है वो आप है ना थोड़ा सा ना वहाँ पे दबा दीजिए, इसके लिए मेरी एवरीडे की जो वीडियो होती है आप तक है ना पहले पहुंच जाएगी। और मैं हर बार ऐसे ना कुछ है ना शेयर्स में टिप्स भी है ना सजेशन लाते रहता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए भी शेयर्स के लिए भी मैं यहाँ पर अपनी सजेशन देते रहता हूँ, अब उसे भी करके अपना प्रॉफिट बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। नाउ भी हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड है ना अब तक के लिए बहुत अच्छा लगा, एंड सबसे बड़ी बात प्लीज यार है ना अगर है ना आपने अच्छा लगा होगा तो वीडियो अगर मैंने जो बनाई आपको रियलिटी में बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज है ना आप उस पर ना लाइक वाइक कर दीजिए। हम लोग है ना मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।